हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक आप सबको इलेक्ट्रिकल दुनिया चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग केबल ट्रे का बेंड बनाना सीखेंगे। पिछला मैं वीडियो बनाया था जिसमें 150 mm का जो ट्रे था उसका बेंड बनाने का बताया था और इसका इम्पोर्टेंस के भी बारे में बताया था कि उसका कितना इम्पोर्टेंस होता है और कैसे बनाया जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोग 300 mm का जो केबल ट्रे होता है उसका बेंड कैसे बनाते हैं, क्या फॉर्मूला लगाते हैं और कैसे उसको कट करते हैं, ये सब कुछ समझाने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो चालू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट होता है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपका अगर कमेंट ऐसा हो जिसपे वीडियो बना सकूं तो वो भी जरूर करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसी केबल ट्रे पे हम लोग कट करने वाले हैं, जैसे यहाँ पे मार्किंग भी मैंने किया है और ये जो बनाने वाला हूँ वो 3 कट पे होने वाला है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये केबल ट्रे है और यहाँ पे हमें बेंड लगाना है, तो इस बेंड यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं 90 का बेंड। देखिए ये 90 का बेंड हो रहा है, ये मीडियम बेंड होगा। 3 टाइप का बेंड होता है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, एक शॉर्ट बेंड होता है, एक लॉन्ग बेंड होता है और एक मीडियम बेंड होता है। तीनों का यूज अलग अलग जगहों पे यूज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे मार्किंग करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आपको जहाँ पे भी मान लीजिए कि हमें यहाँ से यहाँ तक का लेना है तो एक फिक्स कर देंगे, जैसे इस कॉर्नर से यहाँ तक हमें लेना था तो ये बेंड जो है कट ऐसे होगा। तो यहाँ तक हम मार्किंग ना करके कम से कम इसके मार्किंग के हिसाब से कर लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना हो रहा है, इसके हिसाब से मैंने ये मार्किंग किया है। उसके बाद से मैं सेंटर पॉइंट लूँगा, यहाँ से यहाँ तक सेंटर पॉइंट हो जाएगा। जैसे 3 कट में करना है तो हमें 3 पॉइंट लेना पड़ेगा सेंटर, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और एक तीसरा पॉइंट ये है, ठीक है। और जो यहाँ से यहाँ तक का सेंटर पॉइंट है, एक सेंटर पॉइंट जो लिए है उसका डिस्टेंस है 234 mm यहाँ पे है। आपको थोड़ा क्लियर शायद ना दिख रहा हो, जैसे यहाँ पे 234 मैं ऑलरेडी लिखा हूँ यहाँ पे, और यहाँ से फिर सेम डिस्टेंस यहाँ पे भी 34 mm का यहाँ पे सेंटर पॉइंट आ जाएगा। अब सेंटर पॉइंट लेने के बाद से मैं यहाँ से यहाँ पे स्ट्रेट कर दे रहा हूँ और यहाँ से यहाँ पे स्ट्रेट कर दे रहा हूँ और यहाँ से यहाँ पे तीनों सेंटर पॉइंट को मैं यहाँ पे पूरा मार्किंग कर दूंगा। उसके बाद से मेन आता है अब एंगल कट करना। देखिए ये 3 कट में है तो 90 डिग्री बनाना है, तो ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं कि ये 30 डिग्री पे अगर कट रहा है और ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री पे, तो 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि 3 कट मार रहे हैं। एक ये 30 डिग्री का हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री का और ये भी 30 डिग्री का, यानी कि 90 डिग्री हमारा इजीली हो सकता है। ये क्रॉस चेक करने के लिए मैं बताया, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करेंगे, जो ये सेंटर पॉइंट हमारे है 3 सेंटर पॉइंट, तो तीनों सेंटर पॉइंट से क्या करेंगे कि इस साइड एक 80 mm का लिया हूँ मैं और एक यहाँ से भी 80 mm का लिया हूँ, ठीक है। और ये सेंटर पॉइंट से 80 mm यहाँ पे और इस सेंटर पॉइंट से 80 mm यहाँ के, ये लाइन लेने के बाद से ये हम क्या करेंगे, जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे मैच करा दूंगा, यहाँ से भी मैच करा देने दूंगा। और ये मैच कराने के बाद से जो ये होगा हमारा ये कट होकर बाहर निकल जाएगा। वैसा ही सेकेंड वाले में भी करेंगे, 80 mm इस साइड लेंगे और 80 mm इस साइड लेंगे सेंटर पॉइंट से, उसके बाद से ये कट होगा, यहाँ से ऐसे कट करेंगे। आपको कट करके भी दिखाऊंगा कि कैसे कट कर रहे हैं, यहाँ से करने के बाद से ये भी निकाल लूँगा। फिर थर्ड वाला पॉइंट भी 80 mm लेफ्ट साइड लिया हूँ और 80 mm राइट साइड लिया हूँ, फिर वैसे ही सेम कट करूँगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे टेम्प्रोरी यहाँ पे एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है उसके लिए मैं यहाँ पे एक ट्रॉड का बनाया हूँ कि यहाँ पे 30 डिग्री हो रहा है कि नहीं, वो चेक करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि मैं यहाँ पे नापा और यहाँ पे मेजर किया तो एक यहाँ पे मेरा पॉइंट आ रहा है और अब मैं जानता हूँ कि एंगल के लिए एक यहाँ पे लाइन खींचूंगा जैसे यहाँ पे खींचा था, और उसके बाद से इस पॉइंट से मैं मेजर कर लेता हूँ यहाँ पे। तो देखो ये यहाँ पे पॉइंट आ जा रहा है हमारा, एक पॉइंट यहाँ पे आ रहा है और यहाँ से मेरा ये पॉइंट कट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से क्या है कि एक मेरा सेंटर पॉइंट जो हो रहा है एक यहाँ पे हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे ये चेंजेस हो रहा है। तो देखिए ये एक यहाँ से करने के बाद से एक यहाँ पे ये आ रहा है, जैसे ये ध्यान देंगे यहाँ पे आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर है, और यहाँ से भी देखेंगे चेक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है। देख रहे हैं कि ये दोनों पॉइंट जो है सेम पे आ रहा है, यानी कि जो ये लाइन यहाँ से खींचे हैं ये 30 डिग्री का एंगल पे ये कट हो रहा है। तो यानी कि 3 कट कर रहे हैं, 30 डिग्री 30 डिग्री और 30 डिग्री, तो 90 डिग्री हमारा बन रहा है। ये 90 डिग्री भी अच्छे तरीके से बन जाएगा। अब मैं इसको कटिंग करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। जैसे ये कट करूँगा ये लाइन
और ये, ठीक है, तो ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा और ये निकल जाएगा। अब आपको एक चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा कि ये जब आप इसको कटिंग करें तो आपको किस डायरेक्शन में लगाना है। जैसे मैं, मुझे यहाँ से ऐसे एंगल बनाना है तो उसके हिसाब से कट कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपको जो है यहाँ से इस साइड लाना हो तो उसके हिसाब से भी आपको यहाँ पे डिग्री मारना पड़ेगा। जैसे ये डायरेक्शन चेंज हो गया, जैसे मैं इस साइड से कट किया था तो आप उस साइड से कट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं आप इसको कटिंग करता हूँ और कट करके भी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक कट के लिए एक यहाँ पे पॉइंट कट गया है और एक यहाँ पे, मतलब ये पॉइंट निकल जाएगा, फिर इतना ये छोड़ देंगे, फिर उसके बाद से एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये जो पूरा ये निकल जाएगा, फिर दूसरा में ये छोड़ के फिर ये निकाल देंगे। जैसे ये कट हुआ है, अब ये तो ऊपर के साइड में हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि इसको ऐसे कट करेंगे, यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है और यहाँ से यहाँ पे करेंगे तो ये निकालेंगे, फिर इसको भी ये कट कर करके दिखा देंगे। देखिए ये जो पोर्शन रहेगा ये रहेगा और ये जो पोर्शन रहेगा इसको निकाल देंगे। तो चलिए एक एक करके फिर से कर लेते हैं जैसे कटिंग किए हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तीनों कट कट करके निकाल दिया है एक साइड से, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपने कटिंग भी देखा है। अब इस चीज़ों को बेंड करेंगे और बेंड करके आपको 90 दिखाएंगे कि बेंड हो रहा है कि नहीं, 90 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ों को राइट एंगल से चेक करेंगे कि ये 90 का बेंड बना है कि नहीं। इसको ऐसे खींच लेंगे पूरे तरीके से और यहाँ पे तो देखने पे हो रहा है। अब राइट एंगल से इसको टेस्ट करेंगे कि 90 का पूरा बेंड बन पाया है कि नहीं बना है। अगर नहीं बना होगा तो एडजस्ट भी करने का है। जैसे पिछले वीडियो में भी बताया था कि थोड़ा सा अगर कहीं भी कट हो तो इसको एडजस्ट कर सकते हैं, पर आपको एडजस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे इसी के थ्रू में हम लोग राइट एंगल से ही चेक कर लेंगे और पता चल जाएगा हमारा कि ये 90 का बेंड बना है कि नहीं बना है। राइट एंगल से चेक करने का तरीका क्या होता है, पिछले वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में भी आपको इस चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे मैं जो ये मेजरमेंट यहाँ से आएगा वो लास्ट में भी मेजरमेंट आना चाहिए सेम डिस्टेंस में, तो आपका 90 डिग्री का हो जाता है। जैसे यहाँ पर राइट एंगल हमारा छोटा है तो बड़ा इसको करने के लिए देखिए एक स्केल पट्टी लगा ली है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे जो इसे चेक करेंगे उतना ही होना चाहिए, 240 के करीब आ रहा है, जैसे मैं यहाँ पे आप देख लेंगे, और यहाँ से भी 240 के करीब हमारा आना चाहिए। जैसे मैं आप देख रहे हैं कि बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब 5 mm का अप्रोक्स डिफरेंस होगा। तभी क्या करेंगे, यहाँ से पैर थोड़ा सा हटाऊंगा तो यहाँ से थोड़ा सा फैलेगा तो उसके बाद से होगा। अभी हमारा 90 का काम कर दिया है। देखिए यहाँ पे क्या है कि कटिंग में थोड़ा सा भी 1-2 mm का भी यहाँ पे हमारा अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ होता है तो यहाँ पे गैप आ जाएगा, क्योंकि लेंथ ज़्यादा है। वहाँ पे जाने के बाद से वो 1 mm, 2 mm, 5 mm में चेंज हो जाएगा। अब इस चीज़ों का क्या है, 90 बन गया हमारा। अब इसको टाका मारेंगे बेल्डिंग के साथ में, उसके बाद से इसको मैं दूसरे साइड का दूसरे फेस का भी इस चीज़ों को आपको दिखा देता हूँ। बेल्डिंग का टाका आप देख रहे हैं कि बेल्डिंग का टाका लग रहा है और जितना गैप मांगे उतना आप गैप मांग कर लीजिए और इसको भी अच्छे तरीके से सेट कर लीजिए ऊपर नीचे अगर होता है तो, ये सेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बेल्डिंग आप इजीली कर सकते हैं। बेल्डिंग को आप ऐसे ओपन आई से मत देखिए, चश्मा जरूर लगा लीजिए, डायरेक्ट बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि इसमें लाइट लग जाता है बेल्डिंग का तो फिर आँखों में बहुत जलन होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि बेंड हमारा अच्छे तरीके से सेट हो गया। मैं यहीं के लिए ये बेंड बनाया था। अब यहाँ पे मैं कनेक्शन इसका बेल्डिंग मार के और जिसका पट्टी लगा के टाइट कर दूंगा और ये बेंड भी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये भी अच्छे तरीके से पूरा दिख रहा है और जहाँ पे बेल्डिंग आपको दिख रहा है वहाँ पे सिल्वर पेंट भी मार दीजिएगा तो परफेक्ट आपको दिखने लगेगा सब। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।